हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आज है संडे और टाइम हो गया है 11:30। और इससे पहले मैंने अपने और भी काम निपटाए और ये पोछा झाड़ू पोछा करने का काम रह रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू लगा के पहले डस्टिंग की जाए, क्योंकि ये खिड़कियाँ वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि धूल आती है और धूल चिपकती है सीधे जो जाली होती है उस पर, तो काफ़ी गंदी हुई रहती हैं ये। तो हफ्ते हफ्ते में मैं साफ़ कर देती हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे एक दो दिन छोड़ के भी कर देती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि शाम के टाइम पे क्या होता है ना, जल्दी से फिर अंधेरा हो जाता है तो काम करने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो मैंने फिर ये दरवाजे वगैरह भी सब साफ़ किए, जितने दरवाजे थे, अलमारियाँ थी वो भी साफ़ की। तो बाहर बाहर से तो अलमारियाँ वगैरह सब चमका दी हैं, लेकिन अंदर जो अलमारियों की अभी हालत हो रखी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा काम फैला हुआ है मेरा भी। और कपड़े भी आप देख सकते हो, मैंने क्या जो मुझे मिला मैंने बस ऐसा ही पहन दिया है फटाफट से, क्योंकि झाड़ू पोछा करना है तो वही वाले कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं जो मैंने एक दो दिन पहले के पहने हुए होते हैं, क्योंकि नए कपड़े ना फिर से गंदे हो जाते हैं। तो मैं फिर आज अभी नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मेरा काम सारा निपट जाएगा मैं तभी नहाऊंगी एक साथ ही, और धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, क्योंकि जो काम अभी हो ही रहा है तो इसलिए। और बालों में मैंने तेल लगा रखा है, अभी ऑयलिंग की थी सुबह, तो मामा अर्थ का जो ऑयल आता है वही यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल फिर से। और मैंने हेयर कट भी करवा दिया था, दो स्पा भी ले लिए हैं, लेकिन अभी बालों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वैसे ही अभी टूट ही रहे हैं बाल। तो बस यहाँ पे अभी थोड़े से बर्तन थे नाश्ता वगैरह करने के, तो नाश्ता आज मेरा 11 बजे हुआ है, क्योंकि ये भी सोए हुए थे और लेट उठे, तो पहले तो उन्होंने बोला कि चाय रसी खा लेता हूँ, फिर पता नहीं क्या ऐसा आया कि आटा गूंदा हुआ है करके, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आटा गूंदा हुआ है, सब्जी भी थोड़ी सी थी रात की, और दो अंडे का ऑमलेट बना के मैंने उनको दे दिया है। अब बस अब मैं आराम से बनाऊंगी खाना। तो मंडे टू सैटरडे हम सोचते हैं कि संडे आएगा और हम आराम से रहेंगे, क्योंकि संडे वाले दिन सारे हफ्ते के काम जमा किए हुए रहते हैं, कि जब संडे आएगा तो उसी दिन ही होंगे ये काम। तो संडे वाले दिन तो और भी बिजी चला जाता है पूरा दिन, और बस वही दिन सुबह खाना बनाओ, फिर कब दिन हो जा रहा है तो पता ही अंदर नहीं। वाले रूम का मतलब एक रूम का झाड़ू पोछा किया मैंने और सफाई अच्छे से की, तब तक देखा तो टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। तो मैं सोचा यार कि अभी लंच भी बनाना है, तो कढ़ी बनानी है मुझे, कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि पहले कढ़ी छोंक देती हूँ मैं, और फिर आगे के जो काम होंगे वो मैं कढ़ी पकते पकते कर सकती हूँ, तो वो करूँगी। तो बस अभी कढ़ी छोंकती हूँ। ये काटा है मैंने प्याज, क्योंकि इसके पकौड़े बनाएंगे कढ़ी के साथ प्याज के, तो ये बनाते हैं। तो ये बन गई है पकौड़ी, और थोड़ी सी बन रही है अभी ये। तो कढ़ी पकौड़े बना के ये मैंने कढ़ी रख दी है बनाने के लिए, अब इसे आराम से उबलने दूंगी और तब तक मैं अपने और दूसरे काम निपटाऊंगी। तो आज हो रही है मेरे फ्रिज की सफाई। फ्रिज गंदा तो नहीं था, लेकिन फैला फैला सा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैसी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आज इस मंथ हम कोई सा भी ग्रॉसरी का सामान नहीं लेके आए थे, तो हमने जो पुरानी ग्रॉसरी थी उसी में चलाया इस मंथ तो काम, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ना फ्रिज खाली है, क्योंकि सॉसेस वगैरह मैं सारे देहरादून लेके चली गई थी। तो फ्रिज की जो मैट मैंने मंगाई थी वो मैंने मंगाई थी शॉपसी से, और मैं सोच रही थी कि ये बहुत ही बेकार होंगी, क्योंकि 184 में 3 मैट आ गई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि स्टफ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने इनको धो के भी देख लिया है, और मतलब फ्रिज का तो बहुत पानी गिरता है इन पे, लेकिन तब भी बिल्कुल सही है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है इन मैट से, जो ये फ्रिज होता है, नहीं तो जैसे ये जो कांच वाले होते हैं ना ये ट्रेज, इन पे फिर स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो बस यही करनी रहती हैं साफ।
तो अमरूद रखे हुए थे, मतलब 2-3 हफ्ते हो गए हैं इन अमरूदों को लाए हुए, और बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता है। अगर फ्रूट्स में हमारे साथ ये होता है ना कि कोई अगर काट के दे दे तो खाए भी जाते हैं, वरना नहीं खाए जाते हैं। और मैं लेके जाती हूँ, और ये भी लेके जाते हैं वैसे तो कई बार ही, लेकिन वही होता है टिफिन फिर वैसे वापस आ जाता है, तो ये चल ही रहे हैं अभी 2-3 हफ्ते। तो अभी बज गए हैं 2:30, और अब रखे हैं मैंने चावल, क्योंकि काम करते करते ना पता ही नहीं चला टाइम का, तो बस नहीं मैं, और चावल अब रखे हैं मैंने। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी तो हम चावल बन रहे हैं, 3-3:30 बजे तक खाएंगे, फिर अभी शाम को फिर से हो जाएगी खाना बनाने की तैयारी। तो बस आजकल ये लफड़े हो रहे हैं, तो अभी एक बारी के कपड़े और थे धोने के लिए, वो लगा दिए हैं मैंने, और चावल रखे हैं अभी बनाने के लिए, जब बनेंगे तो तब तक करती हूँ मैं कुछ और भी काम, क्योंकि पूरा ना किचन भी ऐसा फैला हुआ है, और किचन का मैंने पोछा वोछा अभी कुछ नहीं नहीं लगाया। मैंने सोचा कि बाद में फिर एक ही साथ ही करूँगी सारा किचन साफ, क्योंकि बार 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 कौन करता रहेगा, तो इसलिए। तो चलिए फिर, अभी का अपडेट फिलहाल यही था, और स्वेटर मैंने यही वाली पहन ली अभी घर में, क्योंकि ठंडा लग रहा है, और जो मैंने पहले अपना हुड पहना हुआ था वो मैंने धोने के लिए डाल दिया, तो बस अभी यही पहन दिया है। तो चलो चलते हैं थोड़ी देर धूप में छत में। तो ये ले आई मैं डस्टबिन यहाँ पे सुखाने के लिए, तो आज ना धूप अच्छी वाली लगी हुई है, तो कपड़े भी सूख ही गए होंगे, थोड़ी देर में ही ले जाऊंगी इन कपड़ों को। तो अभी निकालती हूँ मैं पहले टमाटर, ये देखो। तो शाम को पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि सूखने जैसा लग गए हैं ये। राई वगैरह भी बोई थी लेकिन हुई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुई, अभी दोबारा से शाम को फिर बोऊंगी एक बारी। तो पालक और मूली तो हो गई है, राई नहीं हुई है बस, तो अभी बोऊंगी, पता नहीं शक्ल आ रही नहीं आ रही। तो जुकाम से तो बुरे हाल हो रहे हैं, एक बार का ठीक हुआ जुकाम, और दूसरी बार का स्टार्ट हो गया है फिर से, और अजीब सा सर में दर्द जैसा हो रहा है। अभी रखे हैं चावल, तो चलिए पहले नीचे चलती हूँ मैं, चावल बनाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो खाना खा के तुरंत ही मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि 4 बज गए हैं, और इनको अपने थोड़े ब्लेजर्स वगैरह करवाने थे ड्राई क्लीन, तो वो हमें ड्राई क्लीन वाले 3-4 तो मिले, लेकिन किसी ने भी अभी तक हाँ नहीं बोला है कि ड्राई क्लीन करेंगे, क्योंकि आजकल शादियों के बहुत ज़्यादा दिन चल रहे हैं, और जो भी जितनों को भी मिले अभी तक हम, उन्होंने कहा कि अभी हम 5 तारीख तक ही दे पाएंगे। तो यहाँ पे रास्ते में आते आते हमें ये मंडी दिख गई थी, यहाँ पे संडे मार्केट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे सब्जियाँ भी नहीं है तो यहीं से ले जा देती हूँ मैं आज सब्जियाँ। तो सब्जियाँ भी क्या, मैं 2-4 सब्जियाँ उठा लूँगी यहाँ से, और फिर बस हो जाएगा 1 हफ्ते का काम। बाकी हमारा बुद्ध मार्केट तो है ही हमारे घर के पास में, वहाँ से ले लेंगे। तो ये बिल्कुल नई मंडी थी, पता नहीं कहाँ पे लगी हुई थी ये रास्ते में, तो आज बहुत जगह पे लगी हुई है ये मार्केट, संडे मार्केट, तो यहाँ पे भी कपड़े वगैरह सब कुछ मिल रहे थे, और भीड़ भी थी उस टाइम पे। हो सकता है, क्या पता थोड़ी देर में मतलब अच्छी खासी भीड़ होती हो यहाँ पे, लेकिन सब्जियाँ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, फ्रेश थी एकदम से। तो क्या होता है जब घर से बाहर निकल जाओ ना, तो जाते जिस काम के लिए हैं उसके साथ साथ 2-4 काम और भी हो जाते हैं, तो ड्राई क्लीनर ढूंढने गए थे और साथ में सब्जियां भी ले आए हैं। ड्राई क्लीन वाला तो अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो ड्राई क्लीन करके दे दे इतनी जल्दी, हमें 1 तारीख तक चाहिए था, तो वो कह रहे हैं कि अभी।
तो अभी आ गई हूँ मैं मार्केट से और निकाल लेते हैं अभी कपड़े फटाफट से, क्योंकि ये जब तक धूप रहती है तब तक ये सूखे हुए लगते हैं, फिर जैसे धूप जाती है ना तो ये गीले गीले जैसे लगने लग जाते हैं। तो धूप तो चली गई है तो मैंने फटाफट से उठाने की सोच रही हूँ इनको कि जल्दी जल्दी उठ जाएँ तो ज़्यादा सही है। और ये कपड़े मैंने अभी 3:30 बजे धोए हैं, इसलिए यहीं पे रहने देती हूँ, कल जब अच्छे से सूख जाएंगे तो ले जाऊंगी। तो अभी मैंने ना दिन में उस टाइम पे टमाटर नहीं तोड़े थे, मैं भूल ही गई मेरे ध्यान से कि टमाटर तोड़ना था, तो अब तोड़ती हूँ मैं इन टमाटरों को। तो तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था इनको, ऐसे ही अच्छे लग रहे थे पेड़ पे, लेकिन वही है ना कि फिर ख़राब हो जाएंगे, तो ये भी कह रहे थे कि तोड़ लेना इनको नहीं तो ये फिर कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो देखिए 3 टमाटर मिल गए हैं मुझे पेड़ से, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है ना अपनी मेहनत जब ऐसे कुछ दिखता है। तो बस अभी आ गई हूँ मैं किचन में फटाफट से, और किचन मैंने दिन में साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही पानी डाल के चली गई थी मैं इस गैस के ऊपर, ताकि जितना भी जो भी लगा हुआ है वो सब साफ़ हो जाए। और मैंने दिन में कुछ भी काम नहीं किया, बस जैसे मतलब मैंने खाना खाया था तुरंत ही निकल गए थे मार्केट के लिए। तो यहाँ अपने काम के साथ साथ ना फिर और इनके काम भी करने पड़ते हैं मुझे, मैंने इनको कितना बोला कि आप खुद चले जाओ और दे के आ जाओ, ड्राई क्लीनिंग तो करवाना है, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर बोला कि तुम भी चलो तुम भी चलो, फिर मुझे जाना ही पड़ा। तो अभी बैठ गई हूँ कपड़ों की तय करने के लिए, नहीं तो ये कभी इस चेयर में रहेंगे कभी उस चेयर में रहेंगे, ऐसे होता रहेगा। तो सोचा फटाफट से फिर मैं इनकी तय भी कर देती हूँ। तो आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाना है, रोटी बनानी है बस, क्योंकि कड़ी बची हुई है तो उसी में चलाएंगे हम काम। और अभी सुबह का भी टेंशन हो रहा है कि सुबह क्या बनाएंगे, तो देखती हूँ अगर कुछ सब्जी मिलती है तो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए लाइट भी चली गई है, तो अभी बस अब कुछ काम नहीं हो सकता है कुछ देर के लिए, तो देखते हैं लंबा कट लगा है या शॉर्ट है। तो थोड़ी देर के लिए ही गई थी लाइट, कम से कम 10 मिनट के लिए गई होगी। तो मैंने चाय भी रखी हुई है बनाने के लिए, और इधर मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय, तो चाय जब तक मेरी 10-15 मिनट ना पक जाए ना अच्छे से, तब तक मैं चाय पी हुई नहीं लगती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब तक चाय पकेगी तब तक कपड़े हो जाएंगे मेरे तय। और ये रजाई इसलिए रखी हुई है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि जब तक मैं दिन में खाना बना रही थी तो ये सो गए थे यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको क्या ही फोल्ड करूँ, फिर तो फिर ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, तो पीते हैं चाय कपड़े संभालते संभालते। तो चाय के साथ साथ करती हूँ मैं इन कपड़ों की तय भी, और आटा मैंने गूंध दिया है, और बस जब थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं रोटी। तो बस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, मिलूँगी मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।